नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी में ई और ये तथा वे का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। दोस्तों, ये वे अक्षर हैं जिनमें महान विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपका चक्कर में पड़ना लाजमी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जिन शब्दों के अंत में ई आता है वे संज्ञाएं होती हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं, रजाई, लुगाई, मिठाई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई आदि। अर्थात जिन शब्दों के अंत में ई आ जाता है वे क्या होती हैं? संज्ञाएं। संज्ञाएं तो आपको जानती होगा, नाम, जिसका कोई नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। जिन वस्तुओं का नाम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञाएं। तो ये सब संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये, ठीक है। और जब इसके बाद आती है तो ये कब लगती है? क्रियाओं में या फिर विशेषण में। जैसे कि तुमने मुझे फिल्म दिखाई। अब यहां पर क्या है? तुमने मुझे फिल्म दिखाई, तो यहां पर ये दिखाई क्या होगा? गलत, क्योंकि ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है? क्रिया। तो यहां पर क्या आएगा? ई ना आते हुए ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा? इसको हम मिटाकर क्या कर देते हैं? अब हमारा ये क्या हो गया? सही। अर्थात जो हमारी संज्ञाएं होती हैं वहां पर ई आता है, और जो हमारी क्रियाएं होती हैं अर्थात जो विशेषण होता है वहां पर हमारे क्या आता है? ई का प्रयोग होता है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, मैंने नई रजाई खरीदी। मैंने क्या करा है? एक नई रजाई खरीदी। हमारा एक वाक्य है। अब देखिए यहां पर संज्ञा क्या है? संज्ञा हमारी ये रजाई। तो ये हमारा ई तो सही है, लेकिन इसका विशेषण क्या है? नई। तो नई यहां पर क्या है? इसके अनुसार ये गलत है। अर्थात क्रिया में विशेषण में ई का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर क्या होगा हमारा? ई। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? ई। समझे आप? अब अगला उदाहरण है, मुझे एक वस्तु पाई। मुझे क्या हुआ? एक वस्तु पाई। अब ये पाई क्या है? क्रिया हुई है यहां पर, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? गलत है हमारा ये। तो यहां पर क्या आना चाहिए? ई गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो हमें इसको मिटाकर क्या कर देते हैं? तो देखिए आप, तुमने मुझे फिल्म दिखाई। अर्थात आपको यह ध्यान रखना है, जहां पर हमारे संज्ञा शब्द आते हैं वहां पर आपको ई का प्रयोग करना है, और जहां पर आपकी क्रिया या फिर विशेषण आते हैं वहां पर आपको ई का प्रयोग करना है। जैसे कि और है, माला ने मोतियों की माला बनाई।
यहाँ पर भी क्रिया हुई है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा या यज्ञ का, उससे बड़ी की मात्रा आएगी। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं बनाई तो क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बनाई यहाँ पर संज्ञा नहीं है। हाँ यदि बुनाई होता तो फिर यहाँ पर क्या जाता ई इन का लग जाता, लेकिन अभी क्या लगाना जरूरी है हमें या यज्ञ का, इस प्रकार बनाई। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा ई और यी का प्रयोग, अब आते हैं हम ये तथा ए के प्रयोग की ओर। जैसे कि क्या हो जाएगा हमारा गोपाल ने गीत गाए, अर्थात क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोपाल ने गीत गाए, तो यहां पर ये का प्रयोग होगा। फिर क्या आएगा आपका गायिका ने घर सजाया, यहां पर गायिका प्रयोग होगा हमारा या का। फिर क्या है उसने गुड्डे गुड़िया सजाए, उसने क्या करा गुड्डे गुड़िया सजाए। अगर हम यहां पर क्या लगा देते हैं ए सजा के, तो क्या हो जाएगा हमारा ये गलत हो जाएगा, जबकि यहां पर क्या आएगा हमारा ये सजा ये। राम और श्याम बाजार गए, राम और श्याम बाजार गए हैं। अगर यहां पर हमने क्या लगा दिया ए लगा दिया गए हैं, तो क्या हो जाएगा गलत, तो यहां पर क्या आएगा हमारा ये, अर्थात यहां पर क्रिया आती है वहां पर हमारा क्या आता है या यज्ञ का आता है। और अब आते हैं हम ए एडी की ओर। ए एडी में क्या होता है जब हम किसी को सम्मान का संबोधित करते हैं वहां पर ए एडी का प्रयोग होता है। जैसे कि हम किसी को सम्मान संबोधित करेंगे, जैसे कि पिताजी के लिए भैया के लिए, जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा लीजिए दीजिए जाइए खाइए पीजिए सोइए उठिए, अर्थात जब हम किसी बड़े के बारे में बोलते हैं तो वहां पर क्या लग जाता है ए एडी का लग जाता है। ठीक है, अगर हम क्रिया के बारे में बोलेंगे तो वहां पर क्या लगेगा या यज्ञ का लगेगा। जैसे कि यहां पर क्या है पिताजी आ पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए, तो यहां पर क्या आएगा ए एडी का आएगा, क्योंकि ये सम्मान सूचक शब्द है। जब सम्मान सूचक शब्द आता है वहां पर ए एडी का लग जाता है, जब क्रिया लगती है तब वहां पर क्या आता है या यज्ञ का आता है। आप बाजार
जाइए, आप बाजार जाइए, अर्थात समान वाली बात आ रही है यहाँ पर। आगे आप लगा हुआ है तो हमारा पीछे का वर्ण क्या हो जाएगा, एडी का हो जाएगा। इधर आइए, अगर हमने यहां पर क्या लगा, इधर आइए, इधर आइए, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इधर क्या आएगा हमारा, ए एडी का। फिर क्या है, उठिए, आ यहां से उठिए, इस प्रकार। अर्थात ये आप ध्यान रखना, जब भी किसी सम्मान के बारे में बात होती है, किसी को सम्मान से संबोधित किया जाता है, वहां पर ए एडी का प्रयोग होता है, और जहां पर क्रिया की बात आती है वहां पर या यज्ञ का प्रयोग होता है। उम्मीद है अब आप इन चीजों में नहीं अटकेंगे। आजकल एक शब्द है शुभकामनाएं, ये इसका शुद्ध है, क्योंकि ये क्या सम्मान वाली बात है, प्यार वाली बात है, लेकिन आजकल इसको क्या लिख देते हैं हम, इस प्रकार इसको लिख दिया जाता है, जो कि हमारा क्या है, गलत है। अब आते हैं हम वापस से ई की ओर। जैसे कि यहां पर क्या है, स्त्रियां, चली गई, स्त्रियां चली गई, स्त्रियां चली गई, अर्थात यहां पर क्रिया हो गई, तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो ये क्या होगा हमारा, गई, स्त्रियां चली गई। तो एक ये वाली जो थी जिसमें क्या आती है हमारी बिंदी, अर्थात अनुस्वार की बिंदी आती है। फिर आते हैं हमारे एडी, यानी कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये चंद्रबिंदु वाला है ये, तो ये इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात बहुवचन में हमें बिंदी लगानी पड़ती है, इस प्रकार के शब्दों में हमें क्या लगानी पड़ती है, चंद्रबिंदु लगानी पड़ती है। अब देखिए, राम राम वन वास होते हुए, होते हुए अयोध्या आए। राम वनवास होते हुए अयोध्या आए। अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, राम वनवास होते हुए, यहां पर ये हमारा ये हुए गलत है, यहां पर क्या आएगा, होते हुए, होते हुए नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी वनवास की बात चल रही है, और जब किसी बड़े व्यक्ति की बात चलती है या फिर सम्मान की बात चलती है तो क्या जाता है, आए। यहां पर राम की बात चल रही है और यहां पर अभी वनवास की बात चल रही है, यानी जंगल की बात चल रही है, तो यहां पर ये आएगा और यहां पर ये आएगा। उम्मीद है दोस्तों आज आपको ई का और या का तथा ए का तथा या का प्रयोग समझ में आया होगा।